ऑर्गेनाइजर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत में चुनावों का महापर्व बहुत ही जल्दी आने वाला है। अगले माह अप्रैल से भारत में चुनाव शुरू हो जाएंगे, जिसका रिजल्ट 4 जून को आएगा। पर जब चुनावों की बात होती है तो उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे विषय हैं, ऐसी बहुत सारी कठिनाइयां हैं जिनका सामना करना पड़ता है। उसमें से सबसे बड़ी कठिनाई है फेक न्यूज की। फेक न्यूज क्योंकि आजकल सोशल मीडिया बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, उस कारण से फेक न्यूज को कर्ब कर पाना एक बहुत ही बड़ा विषय है, एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। इस बारे में विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अनिल दत्त शर्मा जी। अनिल जी मीडिया एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर है TIB में। अनिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। बहुत अनिल जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब हम फेक न्यूज की बात करते हैं तो फेक न्यूज का क्या मतलब होता है? वेन इट कम्स टू इलेक्शंस, व्हाट इज फेक न्यूज? देखिए, फेक न्यूज बेसिकली अमूमन फेक न्यूज को एक किसी प्रोपोगंडा के साथ स्प्रेड किया जाता है। उसका उद्देश्य रहता है कि लोगों को भ्रमित किया जाए एक पर्टिकुलर एजेंडे के लिए। फेक न्यूज मिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, डिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। मिस इन्फॉर्मेशन ये है कि सपोज आपको कहीं पर, फॉर एग्जांपल, कहीं पर दंगा हुआ तो आपको ये करेक्ट न्यूज़ में ये है कि भाई दो समुदायों में दंगा हुआ और 40 लोग घायल हुए, ये एक फैक्ट है कि दंगा हो गया। बट अगर किसी को मिस इन्फॉर्म करना है, यानी कि इवेंट तो हुआ है बट उस इवेंट को अगर किसी तरह भुनाना है, तो ये बोल देंगे कि भाई ये दंगा जो है इसमें 7 लोग मर गए। अब दंगा तो हुआ, ये तो फैक्ट है, बट उसमें 7 लोग मर गए ये गलत है। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन हो गई। डिस इन्फॉर्मेशन है कि कुछ हुआ ही नहीं है, कहीं दो दोस्तों में लड़ाई हो गई, उसको एक दंगे का रंग दे दिया, तो ये आपकी डिस इन्फॉर्मेशन हो गई। एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो गई, कुछ कहीं हुआ ही नहीं है। तो प्रोपोगंडा के साथ फेक न्यूज फैलाई जाती है किसी मकसद के साथ, इन्फ्लुएंस करने के लिए, लोगों को एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए। फेक न्यूज का जो है एक एक कारोबार सा जो है ये चल पड़ा है, और ये मुख्यतः सोशल मीडिया इसका एक बहुत बड़ा स्रोत है, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं है उसको, हम उसमें कोई फिल्टर्स नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फिल्टर्स है। चैनल एक फिल्टर होता है, रिपोर्टर होता है, डेस्क होता है, न्यूज को वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद उसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है। सेम ऐसा अखबार में है, एक रिपोर्टर न्यूज लिख के लाता है, वो डेस्क पे आती है, फिर वो फिल्टर होकर सब एडिटर पे जाती है, फिर एडिटर पे जाती है, फिर चीफ एडिटर पे जाती है, फिर फिल्ट्रेशन उसका होता है, प्रूफ रीडिंग होती है, तो उसका प्रॉपर प्रोसीजर है। बट सोशल मीडिया, जब से मोबाइल आया, हर आदमी अपने आप में रिपोर्टर है। तो आपने कुछ सुना, अरे आपको लगा, अरे आपने उसको वेरीफाई भी नहीं करा, आपके दोस्त ने बोला अरे यार सुन गली में दंगा हो गया है, और आपने लिख दिया कि जी फलाना फलाना जगह जो है दंगा हो गया, जबकि हुआ ही नहीं, आपने वेरीफाई नहीं करा उस चीज को। बनस्पत अगर एक रिपोर्टर को अगर कहीं से पता चलेगा तो वो फोन करके वेरीफाई करेगा, SP से पूछेगा, दरोगा से पूछेगा, अथॉरिटी से पूछेगा, तो कंफर्मेशन आ जाती है। तो जब से ये सोशल मीडिया का ये युग आया है, तो आप देखेंगे जितना भी कंटेंट चलता है वो किसी ना किसी एजेंडे के साथ, और उसको फेक न्यूज के साथ जो है उसको परोसा जाता है किसी के एक पर्टिकुलर एजेंडे के लिए, या फिर एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए। तो ये सब चलता है, तो ये फेक न्यूज का एक पार्ट है। तो जब चुनावों की बात आती है, चुनाव कंडक्ट करवाने की बात आती है, तो एज ए PIB ऑफिसर आप कौन कौन से चैलेंजेस को देखते हैं जब फेक न्यूज बीच में अड़बंगा मारती है? देखिए, क्योंकि आजकल चुनाव का एक मौसम है, और भारत में चुनाव जो है बड़ा एक पवित्र एक फेस्टिवल है, और ये आम चुनाव है। 5 साल में एक ऐसा मौका लोगों को आता है कि वो अपने मन से अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, सरकार को चुन सकते हैं, तो ये बड़ा पवित्र वो एक इवेंट ये है। बट ऐसे में अगर आप सोशल मीडिया उठा के देखेंगे, तो बहुत हर तरह का जो एक मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, जो है गलत तरह की सूचनाओं का जो है एक चलन सा चल पड़ा है। PIB जो है, क्योंकि गवर्नमेंट संस्था है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तो हम सीधा सीधा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी गाइडलाइंस को हम फॉलो करते हैं। हमारा काम बेसिकली ये रहता है कि जो इलेक्शन को लेकर कोई भी, अगर पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं, इलेक्शन को लेकर अगर कोई फेक न्यूज है, और इलेक्शन को लेकर कोई भी अगर न्यूज, कोई निगेटिव न्यूज आती है, तो उसको हम अपने जो हमारे चैनल है उसके माध्यम से हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक उसको डेली जो है एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि भाई क्या चल रहा है न्यूज पेपर्स में, और ये जो है निगेटिव न्यूज चल रही है, ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसका संज्ञान ले सके और उस पर जो है जरूरी कार्रवाई जो है उस पर कर सके। इलेक्शन का जो प्रोसेस है, सपोज कहीं कुछ इलेक्शन जो मशीनरी है उसमें कोई इशू आ गया है, तो उसको हम पॉजिटिवली वहां तक पहुंचाते हैं, ताकि उसको जो है सॉल्व करने में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक सहूलियत प्रदान हो। हाल ही में कोई ऐसा किस्सा हुआ है फेक न्यूज का?
इसे नहीं, अभी ब्लेस्ड तक तो उत्तराखंड में तो अभी तक ऐसा कोई अभी आया नहीं है, लेकिन आप देखेंगे तो बहुत तरीके की, आप इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी गवर्नमेंट बॉडी है, तो उसके खिलाफ भी भ्रामक प्रचार किया जाता है कि इलेक्शन कमीशन करप्ट है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसमें धांधली है, तो इस तरह का जो ये फेक न्यूज है बेसिकली। क्योंकि आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बार ओपनली भी ये कहा था कि भाई इसको भी चैलेंज किया था एक। ईवीएम में कुछ अगर आपको लगता है कि आप मैनिपुलेट कर सकते हो, तो एक प्रॉपर उन्होंने जो है जगह बताई थी कि वहां पर आके आप बताइए कि किस तरह से वो हैक कर सकते हैं। तो वो एक बिल्कुल एक प्रोपोगंडा चलाया जाता है हर बार इलेक्शन को लेकर, कि इलेक्शन ईवीएम जो है वो हैम्पर हैक की जा सकती है, उसको जो है मैनिपुलेशन किया जा सकता है, क्योंकि वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि 10 लाख बूथ है आम चुनाव के लिए, तो 10 लाख बूथ पे अगर 10 लाख इलेक्ट्रॉनिक मशीन को जो है मैनिपुलेट करना, वो मुझे लगता है और उसको डिनाई भी कर चुका है इलेक्शन कमीशन हर बार, तो बार बार शायद। और इस पर तरह तरह की फेक न्यूज बनती है, आप कहीं भी देखेंगे कि यहाँ पर ईवीएम मशीन काम नहीं कर रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा होता है, एजेंडा होता है, क्योंकि कभी कभी लाइट नहीं होती, कभी कभी बैटरी डाउन हो जाती है, तो उसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन में कुछ गड़बड़ है। तो इस तरह की जो चीजों को जो है वो उसको रोकथाम के लिए जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेहतर कार्य कर रहा है। अनिल जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगी। आप उत्तराखंड क्षेत्र में काम करते हैं, तो क्योंकि वो डिफिकल्ट टेरेन है, तो वहां पे मतलब हाउ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इज वर्किंग आउट सो दैट जो लोग हैं प्रॉपर वोट कर पाए, अपने जो उनका जो राइट है उसको प्रॉपर एक्सरसाइज कर पाए, कोई भी वोट देने से वंचित ना रह पाए। क्योंकि हम उत्तराखंड में कार्य कर रहे हैं, यहाँ का जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिस है उसके साथ हम मिलकर जो है लोगों को अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि जागरूकता एक बहुत बड़ा काम इसमें हो जाता है। जब तक आप जागरूक नहीं करेंगे लोगों को, लोग जो है घर से वोट देने बाहर नहीं आ पाएंगे। इस बार फैसिलिटी दी गई है कि जो 85 साल से ज्यादा के जो बुजुर्ग हैं उनको जो है घर में वोटिंग की फैसिलिटी जो है उत्तराखंड सरकार जो है, माफ कीजिएगा, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ उत्तराखंड जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है। हम एक्टिविटी चलाते हैं स्वीप के माध्यम से, आपने सुना होगा सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन, इसके माध्यम से जो है पीआईबी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार कर रहा है, लोगों को अवेयर कर रहा है। एक हमारे सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, वो कॉलेजेस में जाकर एक्टिविटीज करती है, एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करती है स्वीप को लेकर, ताकि लोग जागरूक हो सके, उनको बताया जा सके भाई आपके वोट का कितना महत्व है, खासकर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है। अभी हमने पीआईबी ने और हमारी जो मिनिस्ट्री है उसने कैंपेन चलाई थी फर्स्ट टाइम वोटर्स को लेकर, एक एंथम भी बनाया गया था, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया था अवेयरनेस के लिए, हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने भी उसको ट्वीट किया था, तो 10 लाख मिलियन से ज्यादा उसके व्यूज थे उसमें। उसके अलावा हमने जो उत्तराखंड की जो हस्तियां हैं जिनको पद्म सम्मान से अलंकृत किया गया है, उनसे हमने वीडियोज बनवाए ताकि लोग जो है इन्फ्लुएंस हो उनसे, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, अलग अलग हस्तियों के जो लोग हैं, चाहे वो आर्ट से जुड़े हों, स्पोर्ट्स से जुड़े हों, लिटरेचर से जुड़े हों, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हों, उनके हमने छोटी छोटी बाइट्स लेके फर्स्ट टाइम वोटर्स को जो है इन्फ्लुएंस करने के लिए कि वो आए, बढ़ चढ़ कर मतदान जो है वो करें, ताकि जो है एक मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो है वो लोगों का जो है इलेक्शन में वो हो सके। तो ये पीआईबी जो है और उसकी जो सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है सीबीसी, वो समय समय पर जो है लोगों को इस तरह से जागरूक करता है। साथ ही हम आर्टिकल जो है, जो डिग्नेटरीज हैं उनसे हम आर्टिकल रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आर्टिकल दे, क्योंकि वो पीआईबी जो है उसको मीडिया के माध्यम से अलग अलग अखबारों में प्रकाशित करवाता है, फर्स्ट टाइम वोटिंग को लेकर, वोटिंग को लेकर और इलेक्ट्रोल पार्टिसिपेशन को लेकर। तो इस तरह के तमाम जो कार्य है लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों में एक भावना पैदा करने के लिए कि वोट कितना इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी होता है कि भाई मुझे लगता है यार आज तो छुट्टी है, मेरे वोट से क्या हो जाएगा, तो मैं वोट नहीं देता हूं। अगर सब ऐसा सोचने लग जाएंगे तो फिर जो स्पिरिट है डेमोक्रेसी की वो उसको कहीं ना कहीं जो है धक्का लगता है, उसको जो है हार्म पहुंचता है, फिर हम बाद में हम दोष नहीं दे, अगर आप वोट नहीं दे सकते तो आप दोष भी नहीं दे सकते कि सरकार हमारे लिए नहीं कर रही है, सिस्टम हमारे लिए ये नहीं कर रहा है। धन्यवाद अनिल जी हमसे बात करने के लिए। आपने एक बहुत जरूरी बात बोली कि अगर हम वोट नहीं दे सकते तो हम दोष भी नहीं दे सकते। अगर आप राइट्स की बात करना चाहते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात भी फिर आप ही करनी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।